दोस्तों, ऐसे खुशी के दिन जिंदगी में कभी कभी आते हैं, ऐसे खुशी के दिन जिंदगी में कभी कभी आते हैं, जब आंखों से आंसू निकल आते हैं। क्योंकि भाई लोग, टिकटॉक बैन हो चुका है और उसी के साथ कुछ और भी एप्लीकेशंस हैं जिन्हें बैन किया गया है। अगर उन सभी के बारे में आप जानना चाहते हैं तो वीडियो के साथ बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आखिर टिकटॉक वाले, तूने दे दिया ना मुझे धोखा। मैंने तेरे भरोसे 300 करोड़ रुपए का बंगला खरीदा था मुंबई में, अब मैं उसकी इंस्टॉलमेंट कहाँ से भरूंगा? 55 लाख रुपए की BMW गाड़ी खरीदी थी मैंने, तू तो जा रहा है मुझे। तो हे गाइस, वेलकम बैक इनटू रियल इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका दोस्त लवप्रीत। तो भाई, ऐसी खुशी कभी कभी मिलती है जिंदगी में, जब पता चलता है कि आज हमारा पीरियड खाली जाएगा क्योंकि टीचर नहीं आया है, या फिर स्कूल से जब गर्मियों की छुट्टियां होती हैं तब ऐसी खुशी होती है। और भाई, उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे आज हुई है जब टिकटॉक बैन हो चुका है। दोस्तों, आपको मानेंगे नहीं, इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी टिकटॉक बैन के ऊपर, तो भाई मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी कि आखिर में टिकटॉक बैन हो जाएगा। लेकिन उस वक्त मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि टिकटॉक दोस्तों बैन नहीं हुआ। उसके बाद कैरी बाबा ने भी बहुत जोर लगाया और भाई टिकटॉक को उसकी औकात याद दिला ही दी। लेकिन आज सरकार ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है कि बहुत सारी चाइनीज ऐप्स को हमारे इंडिया में बैन किया गया है। अब बात आती है कौन कौन सी एप्लीकेशंस इंडिया में बैन की गई हैं। तो सभी की लिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दोस्तों, इन सभी एप्लीकेशन को अपने फ़ोन से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। और दोस्तों, इसके अलावा देखने की बात है कि अब इन टिकटॉकर्स का क्या होगा। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इन टिकटॉकर्स का अब भविष्य कैसा होगा और कौन सी नई एप्लीकेशन इन्हें सहारा देगी। तो दोस्तों, एक और एप्लीकेशन है जो टिकटॉक के जैसे ही अभी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसका नाम है चिंगारी। तो दोस्तों, मैं तो इतना ही चाहूँगा कि ऐसी एप्लीकेशन से दूर रहें जो हमारे यूथ के दिमाग को ख़राब करती हैं, और दोस्तों अच्छे कामों में अपना दिमाग लगाएं जिससे हमें कुछ आगे सीखने को मिले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और नई अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नई वीडियो में कुछ और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी बहन का ख्याल रखें। गुड बाय। कैसा लग रहा है टिकटॉक बंद हो गया? देखिए, कहीं ना कहीं एक सरकार का फैसला है, सम्माननीय फैसला है और बहुत ही अच्छा फैसला है भारत के लिए। तो टिकटॉक ही नहीं, और भी 69 चाइनीज ऐप बंद हो चुके हैं, जिसमें शीन, क्लब फैक्ट्री जैसे शॉपिंग साइट्स भी हैं, और इसके अलावा टिकटॉक भी शामिल है उसमें। तो मेरी तरफ से तो मुझे लगता है फैसला काफ़ी सही है। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।